सर आपका नाम? रमित भट्टाचार्य, मैं उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी में प्रोफेसर हूँ। तो आज मतलब आज देश के लिए, देशवासियों के लिए और हमारे लिए तो ज़रूर सबके लिए एक बहुत आनंद का दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि आज जो है हम लोगों ने एक पहला जो सूर्य मिशन है उसका एक लॉन्चिंग किया। सो ये देश का पहला सूर्य की तरफ मिशन है। और तो इसमें आप जैसे ये बता रहे हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट इसमें बने हैं अलग अलग जगहों से, एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ अहमदाबाद में रिसर्च में आप भी उसमें सही होगी, तो वो क्या है इंस्ट्रूमेंट? उसको हम लोग एस्पेक्स कहते हैं। इसका काम है कि सूरज से उसके विस्फोट के समय जो भी पार्टिकल निकलते हैं, चार्ज पार्टिकल, उसको विभिन्न उसको डिफरेंट डिफरेंट डिरेक्शन से देखना, उसको कलेक्ट करना, फिर उसका प्रॉपर्टीज जो है उसका अध्ययन करना। ये सारे से हम लोगों को पता चलता है कि सूरज के पे किस प्रकार का विस्फोट हुआ और ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो रहा है, ये सब सारे जानकारी हमें मिलती है। तो इसमें उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी और जो कि PRL का एक पार्ट है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद स्थित है उनका एक पार्ट है, दोनों का ही एक भूमिका रहा है। तो एक टीम के भांति हाँ सब ने वर्क किया, एक काम किया, तब जाके ये रियलाइज हुआ। तो इसमें कितना टाइम लगा जो एक पार्ट आप बोल रहे हैं अहमदाबाद और उदयपुर में? आप मान लीजिए 7-8 साल तो लगा, मतलब एक एक कॉन्सेप्शन से एक कॉन्क्रीट एक इंस्ट्रूमेंट में बदलने में। तो उसके लिए हम लोगों को साइंस गोल डिफाइन करना पड़ा, आपस में डिस्कस करना पड़ा कि कौन सा साइंस को हम लोग टारगेट करेंगे, कौन सा साइंस का स्टडी करना चाहते हैं, फिर उस साइंस के हिसाब से अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो बना। फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से काम नहीं चलता, स्पेस में आपको एक स्पेस ग्रेड इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है, जो धरती में और भी आसान होता है लेकिन स्पेस में ये बहुत मुश्किल है। तो वो बनाया गया जो कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद जो अपना हेड ऑफिस टाइप है आप मान सकते हो, उसमें बनाया गया, फिर उसको इंटीग्रेट किया गया चंद्रयान के साथ। और अभी वो हम लोग भी बहुत बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उसका डेटा कब आए, रिजल्ट कब आए। अच्छा, सोलर ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पूरे देश में एक ही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सोलर ऑब्जर्वेटरी बहुत सारे हैं देश में। तो अपना सोलर ऑब्जर्वेटरी का विशेषता क्या है कि ये एक लेक पर स्थित है। लेक पर इसलिए स्थित है कि जो एयर टर्बुलेंस है, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है तो धरती गर्म हो जाती है, तो उसके ऊपर का हवा जो है वो भी गर्म हो जाता है। तो आपका जो देखने का कंडीशन है, जो सीइंग कंडीशन हम लोग बोलते हैं, उसमें थोड़ा सीइंग कंडीशन डाउन हो जाता है। लेकिन लेक में रहने से, लेक के बीच रहने से क्या होता है, वो टर्बुलेंस कम होता है, तो इसलिए आपको बेटर और हायर रेजोल्यूशन इमेज मिलती है। तो अब ये बताइए, ये जो आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, इससे क्या क्या मिलेगा अपने को, क्या स्टडी होगी इस पर, क्या फ़ायदे होंगे इसमें? सबसे बड़ा देखिए, जो मुझे लगता है, एक तो आपको जो सन का एटमॉस्फेयर है, जो कोरोना है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, सूरज का एक मतलब एक बिना मैग्नेटिक फील्ड का सूरज एक्टिव ही नहीं होता है। तो सूरज का जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी साइकिल है, वो पूरा मैग्नेटिज्म के ऊपर ही डिपेंड करता है, सूरज का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसका एक मेजरमेंट होगा जो VELC एक्सपेरिमेंट से मिलेगा हम लोगों को। फिर एक मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन मिलेगा जो सूट से मिलेगा। तो ऐसे कई सारे चीज़ें, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एस्पेक्ट से हम लोगों को क्या मिलने वाला है। तो ये आप मान के चलिए सूरज को समझने का एक कंप्लीट पैकेज है। तो इसके इसमें से जितने सारे जो 7 इंस्ट्रूमेंट है उससे जो डेटा हम लोगों को मिलेंगे, उसको हम लोग एक काइंड ऑफ एक साथ इंटीग्रेट करके सूरज का एक टोटल व्यू मिलेगा हम लोगों को। देखिए, आदित्य L1 जो है ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जो L1 पॉइंट है उसके चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और सूरज के हमको 24/7 365 डेज हमें जानकारी देगा। और L1 पॉइंट इतना दूर है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन उसके बाद भी हमने वहाँ भेजा क्योंकि L1 पॉइंट की खासियत ये है कि वहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होता। वहाँ आपको दिन रात की कोई बात ही नहीं है, हर समय आपको सूरज में क्या घटनाएं हो रही हैं और जो सन से विंड आ रही है, सोलर विंड, और जो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है,
जिसको हम इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी पल पल की हमें जानकारी मिलेगी। तो बहुत चैलेंजिंग ये मिशन है, L1 में पहुंचना अपने आप में टेक्नोलॉजिकली बहुत चैलेंजिंग है, और जहां नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी पहुंचे थे आज हम भी वहां जा रहे हैं। बहुत बड़ी सफलता है और हम सब गदगद हैं। देखिए, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है अहमदाबाद में, उसमें एक पूरा ग्रुप है जो स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स तैयार करता है। और चंद्रयान 2 जो गया था, 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद्रयान 2, उसमें भी हमारा एक्सरे सोलर स्पेक्ट्रोमीटर था जो सन से आने वाली सॉफ्ट एक्सरे की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था। बहुत बढ़िया काम हुआ उसके आंकड़े से। और आज तो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेटरी क्लास का इंस्ट्रूमेंट सन की डेडिकेटेड स्टडी के लिए L1 पॉइंट पर भेजा जा रहा है, और PRL का भी इसमें एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है एस्पेक्स, आदित्य L1 सोलर विंड एक्सपेरिमेंट। हम सब शुरू से ही एक विज्ञान टीम के रूप में उससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी हमारी मीटिंग्स हुई, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हुए, है ना, जो उस मिशन के इंजीनियर्स हैं वो सब हमसे डिस्कशन करते रहते हैं। तो बहुत गर्व हो रहा है, PRL से टीम गई है श्रीहरिकोटा में लॉन्च को देखने के लिए, हमने भी विद्या भवन में बच्चों के बीच में इस उत्साह को देखा, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व हो रहा है। तो आपने जाना है कि आदित्य L1 का सहयोग उदयपुर अहमदाबाद से किस तरह से रहा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वह इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कितने सालों में बना, और इस इंस्ट्रूमेंट से सूर्य की स्टडी करने में किस तरह से उपयोगी साबित होगा। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।